हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं भानु प्रताप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको स्त्रियों से जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में बताऊंगा। क्या आपका पीरियड महीने में दो बार आता है या समय से पहले आता है, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे आप अपने शरीर में वीकनेस फील करते हैं, या आपके कमर में हमेशा दर्द रहता है, तो घबराइए नहीं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों, मैं इसके सिम्टम्स के बारे में आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको पीरियड महीने में दो बार आता है या समय से पहले आता है या समय के बाद आता है, जिसके कारण आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे आप वीकनेस फील करते हैं, या आप अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं जिसके कारण ओवरी में सूजन हो गया और सूजन होने के कारण आपके कमर में हमेशा दर्द रहता है, या फिर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, तो मैं आज इन सारी समस्याओं का उपचार एक सिरप के माध्यम से करूंगा। तो जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, इसका नाम है मेंसोल सिरप, या खासकर औरतों के संबंधित सारी रोगों के लिए बनाया गया है। यह सिरप ही नहीं बल्कि यह होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इसमें मिला हुआ है जौनसिया अशोका। अगर आपको पीरियड बार बार आता है तो यह उसे ठीक करता है। दूसरी मेडिसिन है सिंकोना, जो कि अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं और कीड़े होने के कारण आपके पेट में दर्द रहता है, तो यह उसे ठीक करता है। तीसरी मेडिसिन है कैल्केरिया फोस। अगर आपके शरीर में हमेशा वीकनेस फील होता है तो यह वीकनेस को दूर करता है और ताजगी लाता है चेहरे पे। चौथी मेडिसिन है पल्सेटिला, यह खासकर औरतों के लिए बनाया गया है, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में वर्क करता है। पाँचवीं मेडिसिन है मैग्नीशिया फोस। अगर आपके पेट में हमेशा कब्ज बना रहता है तो यह कब्ज को दूर करता है और उसे ठीक करता है। तो दोस्तों, मैं इसके डोज के बारे में अब आपको बता दे रहा हूँ। आपको 2 चम्मच दिन भर में 3 टाइम इसे हल्का सा पानी में डालकर लेना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।